जय जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, मैं पंडित आशीष शर्मा, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो इसी कामना के साथ आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो मित्रों, हमारे जीवन में घटित होने वाली घटना के पीछे अवश्य कोई ना कोई कारण जरूर होता है, क्योंकि ये घटनाएं किसी संकेत का इशारा करती हैं। हमारे भविष्य में, हमारे जीवन में होने वाले परिवर्तन से ही हमको ये घटनाएं अवगत कराती हैं। बस यदि ज़रूरत है तो वह है इन संकेतों को पहचानने की। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास धन आना होता है और हमको इस बात का पता नहीं होता, लेकिन प्रकृति हमें इस बात से संकेत के माध्यम से अवगत कराती है। लेकिन कई बार हम इन संकेतों को समझने में असमर्थ होते हैं। तो आज धन लक्ष्मी सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी है, और प्रत्येक व्यक्ति धन को प्राप्त करना चाहता है, धन को पाना चाहता है। तो मित्रों, आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में अवगत कराऊंगा, जानकारी दूंगा, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि कब आपके पास यह धन आने वाला है। तो सबसे पहला संकेत है, जब आप कहीं काम से जा रहे होते हो और उस समय किसी भी तरह से अचानक आपकी पॉकेट से, आपकी जेब से पैसे गिर जाएं, तो यह संकेत होता है कि आप जल्दी ही धनवान होने वाले हैं और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर होने वाली है। अब बात करेंगे दूसरे संकेत की, जब आप धन को जमा करवाने के लिए बैंक में जा रहे हों और रास्ते में कोई गाय आपके मार्ग से होती हुई जाती है, तो मित्रों यह बहुत ही अच्छा संकेत होता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत जल्द आप पर होने वाली है और आपके सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। अब बात करेंगे तीसरे संकेत की, तो मित्रों दिवाली के दिन, दशहरे के दिन, होली के दिन यदि कोई किन्नर आपको सजा हुआ दिखे या सजा हुआ आपके सामने अचानक आ जाए, तो यह संकेत बहुत ही शुभ माना गया है। इस संकेत से अचानक आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। अब बात करेंगे चौथे संकेत की, तो मित्रों यदि कोई गरीब, भिखारी, कोई मजबूर व्यक्ति प्रातःकाल आपके दरवाजे कुछ मांगने आता है, तो समझ लेना कि आपने जिस किसी को पैसा दिया हुआ है या आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है या उधार दिया हुआ है, तो वह व्यक्ति बिन मांगे जल्द ही आपको आपका पैसा देने वाला है। तो भिखारी को, मजबूर व्यक्ति को, गरीब को कभी भी अपने दरवाजे से खाली हाथ ना लौटाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको कुछ ना कुछ जरूर भेंट करें। पांचवा संकेत, गुरुवार के दिन, वीरवार के दिन कोई छोटी कन्या आपको किसी मंदिर में पीला वस्त्र पहने हुए दिख जाए, यानी 9 साल से छोटी कन्या आपको पीला वस्त्र पहने हुए दिख जाए या आपके सामने आ जाए, तो यह शुभ संकेत होता है। यह संकेत बताता है कि आप जल्दी ही धनवान बनने वाले हैं, धन की प्राप्ति आपको शीघ्र हो जाएगी। अब बात करेंगे छठे संकेत के बारे में, तो दाहिने हाथ में बार बार खाज होना, खुजली होना, तो यह संकेत है कि आपको कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होने वाली है। अब बात करेंगे
सातवें संकेत की। तो मित्रों, कुछ खरीदते समय यदि हाथ से पैसे गिर जाएं, तो इस संकेत को समझ लें कि जल्दी ही धन की बारिश होने वाली है। आठवां संकेत, यदि घर से बाहर जाते हुए कोई कुत्ता जिसने मुंह में रोटी दबाई हुई हो वह आपके सामने आ जाए या आपको दिख जाए, तो यह अपार धन आने का संकेत होता है। नौवां संकेत, कहीं आते जाते समय कोई हरा भरा पत्ता या फूल उड़ करके आपके ऊपर गिर जाए, तो यह भी अपार धन आने का संकेत होता है। अंतिम संकेत दसवां, जब आप अपने कार्य क्षेत्र में जा रहे हो, व्यापार के लिए जा रहे हो, नौकरी सर्विस के लिए जा रहे हो और निकलते ही बारिश होने लगे, यानी जब आप घर से बाहर निकलो और तुरंत ही बारिश होनी शुरू हो जाए, तो यह भी धन के लिए अति उत्तम संकेत है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और नए दर्शक इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे शेयर ज़रूर करें।